हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखिए देखने में कितना टेस्टी और कितना मज़ेदार लग रहा है। तो आ गया ना देख के मुँह में पानी। तो चलिए इस मज़ेदार चीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 1 कप सूजी। सूजी नॉर्मल वाली है, हम मोटा पतला कोई भी ले सकते हैं। और 1 कप सूजी डाल देंगे, उसमें हम डाल देंगे 1 कप दही और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे दोनों को। दही बिल्कुल ताज़ी थी, खट्टी नहीं। आजकल गर्मियाँ आ गई हैं तो बस 2 3 4 घंटे में दही बन जाती है। तो आप अगर पहले के बना के रखे हैं तो अच्छी है, नहीं तो आप सुबह को बनाइए दही, शाम को ये चटपटे चीज़ें बना लीजिए। सर्दियों में मुश्किल होती है दही बनाना, लेकिन इस समय जल्दी बन जाती है। और आजकल बच्चों की छुट्टियां हो रही है तो बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो आप ऐसी चीज़ें बना के उन्हें खिला सकते हैं और खा भी लेंगे और इंजॉय भी करेंगे। तो देखिए हमने दही सूजी मिला ली, अब इन्हें रख देंगे 10 मिनट के लिए। आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटा 15 मिनट रख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 10 मिनट ही रखे थे। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो देखिए 10 मिनट ही रखे थे तो इसलिए सूजी फूल भी गई है जितनी की ज़रूरत थी। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे, आधा घंटा रखेंगे तो और भी सूख जाएगी और थोड़ी सी और फूल जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इन्हीं से काम चलाएंगे। तो इन्हें अच्छी तरह से मिला लेते हैं और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक जितना आप खाते होंगे उस हिसाब से डालिए। और इसमें आधा चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर डाल देंगे, मीठा सोडा इनो आपके पास जो भी है आप वो डाल सकते हैं। और इन्हें अच्छी तरह से कुछ सेकंड के लिए मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, बस कुछ सेकंड ही मिला लेंगे नमक को और जो हमने डाले थे बेकिंग पाउडर उनको। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मिल चुके हैं सारे, एक सार कर लेंगे। बस यहाँ पर रेडी हो गए हैं, आप ज़्यादा नहीं मिलाएंगे और मिलाने भी एक ही डायरेक्शन में है, इधर उधर नहीं। तो हमारे पास ये छोटी छोटी कटोरियाँ थी, इसको हमने तेल लगा लेंगे सारी कटोरियों को। आप तेल की कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम सारी कटोरियों में तेल लगा के रेडी कर लेंगे। आपके पास थाली में भी आप बना सकते हैं, आपके पास कोई इसका स्टैंड शेप है तो उसमें भी बना सकते हैं, जिसमें आपको ईजी लगे उसमें बनाइए। और इसमें थोड़ा थोड़ा सारे बैटर को डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि कटोरियाँ ज़्यादा हैं, हम बनाए थोड़े से। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, वैसे भी ये फूलेगी तो अपना शेप ले लेगी, इसीलिए हम थोड़ा डाल रहे हैं। तो देखिए इसमें आधे से कम डाले हैं हम और सारे रेडी हो गए हैं। आप चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने एक बर्तन में पानी रख दिए, ऊपर से हम जो दूध वाली जाली होती है उनको रख दिए हैं। आपके पास कोई स्टैंड वगैरह है तो भी रख सकते हैं, लेकिन स्टैंड हमारे पास था पर छोटी थी तो इतनी सारी कटोरियाँ नहीं आनी थी, इसीलिए हमने दूध वाली जाली रख दी। और उसके बाद सारी कटोरियों को सेट कर देंगे और इन्हें ढक देंगे। इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक के पकाएंगे। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, 10 मिनट के अंदर ही ये पक जाती है। तो 10 मिनट के बाद गैस का फ्लेम आप यहाँ चाहे तो हाई कर सकते हैं, लेकिन हम मीडियम ही रखे हैं। तो 10 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गई है और इस फट भी गई है, फिर भी हम आपको चाकू डाल के दिखा देते हैं, लेकिन फटने का मतलब है कि अच्छी तरह से पक चुकी है। तो 10 मिनट ही टाइम लगते हैं, 10 से कम भी लग सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं लगते हैं इसको पकने में। तो हम सारे निकाल लिए हैं और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी फिर हम कटोरियों से बाहर निकालेंगे। देखिए एकदम ठंडी हो चुकी है और इनको चाकू से थोड़ा सा लगाएंगे, चाकू की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये बिल्कुल चिपकी नहीं है। देखिए एकदम अच्छी तरह से निकल गई है सारे, लेकिन फिर भी चाकू थोड़ा सा डर के हिला लेते हैं और इन्हें अच्छे ऐसे सारे ही निकाल के रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसकी शेप कितनी अच्छी, मुझे तो इसकी शेप ही बहुत प्यारी लगी थी। तो हमने सारे ऐसे ही निकाल के रेडी कर लिए हैं। तो आप भी इस तरह से बना के खा सकते हैं। और क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई है, होने ही वाली है, तो दिन भर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं खाने के लिए, तो दिन भर कोई कुछ तो बनाएगा नहीं। और
और बच्चे रोटी चावल खा के भी खुश नहीं होते हैं। तो देखिए हमने सारे ऐसे रख दिए हैं, और इन धनिया के पत्ते, थोड़ी सी ऊपर से लाल मिर्च और चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिए हैं। आप चाहें तो ऐसे खा सकते हैं, बहुत टेस्टी था क्योंकि नमक वगैरह तो पड़े थे। आप अगर ऑयली नहीं खाना चाहते तो आप इस तरह से खा सकते हैं, लेकिन इसे हम थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे क्योंकि बच्चों के लिए, खास बच्चों के लिए बना रहे हैं। इनको हम एक से दो टुकड़े कर लेंगे, आप चाहें तो चार पीस कर सकते हैं, आपको जैसे चाहे वैसे कट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें से बीच से ही दो दो टुकड़े करेंगे। यहाँ से आप चाहें तो चार कर सकते हैं। सेब इतनी अच्छी थी, कट करने का नहीं मन कर रहा था, बट बच्चे बोले कि नहीं कट करके फ्राई करो, इसीलिए करें। तो देखिए हम सारे को ऐसे बीच से कट कर लेंगे बर्गर की तरह। यहाँ पर सारे हमने रेडी कर लिए हैं कट के। आप चाहे तो इस पर ही सॉस वगैरह लगा के खा सकते हैं, जो धनिया के पत्ते चटनी हो, इमली का हो। तो देखिए हम गैस की तरफ आ गए हैं। एक फ्राई पैन में हमने तेल नहीं डाली थी, सिर्फ ब्रश से ही तेल लगाए थे। नीचे हमने आधा चम्मच सफ़ेद तिल डाल दिए थे, और सारे इनको पीस को जितने आए थे हमारे एक कढ़ाई में उतना डाल के, और दोनों तरफ से इन्हें क्रंची होने तक का सेक लेंगे। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, ब्रश से ही लगाए हैं, और इन दोनों तरफ से उलट पलट के अच्छी तरह से सेक लेंगे, और तेल ब्रश से ही लगाएंगे, ऐसे नहीं डाले। आप चाहे तो घी से भी सेक सकते हैं, लेकिन हम हल्का ब्रश से तेल लगाए थे, और देखिए दोनों तरफ से एकदम क्रंची होने तक के सेक लिए हैं। और यहाँ पर हमने सर्व कर दिए हैं चटनी के साथ, धनिया की चटनी के साथ। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, और इस तरह से आप बच्चों को दे दें और बच्चे खाएंगे और काफ़ी खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तेल मसाला कुछ पड़ा नहीं है, नॉर्मल चीज़ों से बना है। एक तरह से हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, पेट भी भर जाएगी बच्चों की। और आप चटनी के साथ इसे एंजॉय करिए, चाय के साथ खाइए, आप सांभर के साथ खाइए, जिस तरह से आपका दिल करे आप खाइए। इडलियाँ तो आपने बहुत तरह तरह से खाई होंगी, लेकिन ये मेरे तरीके से बना के आप खाइए, तो बहुत टेस्टी है। फिर भी हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, तो देखिए कितना, आप जब कट कर रहे थे तभी आपको पता लग गया होगा कितने सॉफ्ट बना है, लेकिन फिर भी हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है और कितना दानेदार बना, क्योंकि हम इसको 10 मिनट ही रखे थे, उससे ज़्यादा रखे नहीं थे, क्योंकि इस टाइम नहीं था तो हम ज़्यादा देर नहीं रखे हैं। तो देखिए आप इसे इस तरह से तोड़ के खा सकते हैं, चाय के साथ इंजॉय करिए, ऐसे सॉस चटनियों के साथ इंजॉय करिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। इसे बनाना भी ईजी है और खाना भी आसान है, तो आप बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।